भगवान राम का जीवन और उनके आदर्श धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर हर एक शख्स को जोड़ते रहे हैं, प्रेरणा देते रहे हैं। इसी की एक मिसाल है बनारस की नाजनीन अंसारी। कौन है नाजनीन, आइए मिलते हैं उनसे। वाराणसी की नाजनीन अंसारी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद को श्री राम की भक्ति में लीन कर लिया। भगवा पहनती हैं और पिछले 16 साल से रोजाना सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना करती हैं। नाजनीन रोज की आरती के अलावा रामनवमी और दीपावली पर भगवान राम की महाआरती का आयोजन भी करती हैं। नाजनीन भगवान राम को अपना पूर्वज मानती हैं। भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जो दुनिया को जोड़ने का काम सिखाता है। दुनिया में किस तरह से अमन शांति के साथ त्याग के साथ रहा जाता है ये सिखाता है। तो आज हम लोग भगवान श्री राम की आरती पिछले 16 सालों से करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं। और अपने पूर्वजों का मान सम्मान करना, अपने पूर्वजों की आरती उतारना, किसी भी तरह से कोई गुरेज नहीं है इससे हमें। सामाजिक संस्था मुस्लिम महिला फाउंडेशन की कर्ताधर्ता नाजनीन अंसारी ने 2006 वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में हुए बम धमाके के बाद 70 महिलाओं के साथ वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की थी। उनके खिलाफ कट्टरपंथियों ने फतवा भी जारी किया था। नाजनीन 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत खुश हैं और मुस्लिम समाज को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश देती हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान इतने लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष आज समाप्त हुआ और भगवान का वनवास खत्म हुआ और पुनः अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को अवसर मिलेगा तो हम लोग अवश्य जाएंगे। BHU में कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही नाजनीन अंसारी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का उर्दू में अनुवाद किया है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू में राम आरती भी लिखी है। इसके लिए राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कृत भी किया है। आज ये राम पंथ से जुड़ करके गांव-गांव में जाकर के भगवान राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरे परिवार की हम भक्ति करेंगे तो हमारा संयुक्त परिवार बचेगा, हमारा समाज बचेगा, हमारा देश बचेगा। हिंदू के हैं नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, और सबके हैं नाथ तो हमारी भी सुधि लीजिए। किसी सूफी संत के ये भाव उन्हीं राम के लिए हैं जो किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं, सबके हैं। नाजनीन अंसारी की भक्ति भी ऐसे ही राम के लिए है जो किसी एक के नहीं, सबके हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, NDTV इंडिया।